हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री देश के सबसे लोकप्रिय इंडस्ट्री में से एक है। ऐसे में बॉलीवुड स्टार कमाई के मामले में भी किसी से कम नहीं है। एक समय था जब एक अभिनेता को फिल्म के लिए सिर्फ हजारों में फीस मिलती थी। हालांकि अब इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी अभिनेता है जो एक एक फिल्म के लिए 100-100 करोड़ तक चार्ज करते हैं। और इन सबके बीच आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी बॉलीवुड जोड़ियों के बारे में बताएंगे जो कमाई के मामले में सबसे आगे है। तो चलिए फिर दोस्तों, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन। दोस्तों मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन, इन दोनों की शादी साल 2007 को हुई थी और यह दोनों कपल लगभग 452 करोड़ रुपए के मालिक हैं। जहां ऐश्वर्या राय अकेले 227 करोड़ रुपए की मालकिन है, तो वही दूसरी ओर उनके पति जूनियर बच्चन 225 करोड़ रुपए के मालिक है। नंबर 9, अजय देवगन और काजोल। दोस्तों अजय देवगन और काजोल बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे फेमस जोड़ियों में से एक है। हालांकि कमाई के मामले में यह कपल नंबर 9 पर आते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन और काजोल करीब 475 करोड़ रुपए के मालिक है, जहां पर अजय देवगन अकेले 295 करोड़ रुपए के मालिक है, तो वही दूसरी ओर उनके पत्नी काजोल 180 करोड़ रुपए की मालकिन है। नंबर 8, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। दोस्तों बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर रणवीर सिंह और उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण भी बॉलीवुड इंडस्ट्री की फेमस जोड़ियों में से एक मानी जाती है। और जब से इन दोनों ने शादी की है, तब से उनकी ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त इजाफा हुआ है और आज के समय में यह कपल लगभग 584 करोड़ रुपए का मालिक है। जहां पर रणवीर सिंह अकेले 223 करोड़ रुपए के मालिक है, तो वही दूसरी ओर दीपिका पादुकोण 361 करोड़ रुपए की मालकिन है। नंबर 7, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली। दोस्तों बॉलीवुड के फेमस एक्टर अनुष्का शर्मा और इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, इस कपल के पास फिलहाल 1095 करोड़ रुपए की संपत्ति मौजूद है। जहां अनुष्का शर्मा अकेले 255 करोड़ रुपए की मालकिन है, तो वही उनके पति विराट कोहली 840 करोड़ रुपए का मालिक है। नंबर 6, सैफ अली खान और करीना कपूर खान। दोस्तों छोटे नवाब सैफ अली खान और बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान इंडस्ट्री की टॉप सेलिब्रिटियों में शुमार है और इनके पास कई लग्जोरियस प्रॉपर्टी भी मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार करीना कपूर खान और सैफ अली खान फिलहाल 1560 करोड़ रुपए के मालिक है। जहां सैफ अली खान अकेले 1120 करोड़ रुपए के मालिक है, तो वही दूसरी ओर उनकी पत्नी करीना कपूर खान 440 करोड़ रुपए की मालकिन है। नंबर 5, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना। दोस्तों बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना, इन दोनों की नेटवर्थ हैरान कर देने वाली है। अक्षय कुमार की नेटवर्थ जहां पर 2050 करोड़ रुपए की है, जबकि उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना की नेटवर्थ 210 करोड़ रुपए की है और इन दोनों की कंबाइन नेटवर्थ 2260 करोड़ रुपए की है। नंबर 4, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन। दोस्तों बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और उनकी सांसद पत्नी जया बच्चन, यह दोनों करीब 3350 करोड़ रुपए के मालिक है। अकेले अमित जी यहां पर 2950 करोड़ रुपए के मालिक है, तो वही उनकी पत्नी जया बच्चन 350 करोड़ रुपए की मालकिन है। नंबर 3, सोनम कपूर और आनंद आहूजा। जी हाँ दोस्तों, अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर ने साल 2018 में दिल्ली के बिजनेसमैन आनंद आहूजा से शादी की थी। वर्तमान में सोनम कपूर करीब 100 करोड़ रुपए की मालकिन है, तो वही उनकी पति आनंद आहूजा 3651 करोड़ रुपए के मालिक है और इन दोनों की कंबाइंड नेटवर्थ है करीब 3751 करोड़ रुपीज। नंबर 2, आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी। दोस्तों बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी और उनके पति आदित्य चोपड़ा भी कमाई के मामले में किसी से कम नहीं है, तभी तो यह जोड़ी नंबर 2 पर आते हैं। रानी मुखर्जी जहां पर 190 करोड़ रुपए की मालकिन है, तो वही दूसरी ओर उनके पति आदित्य चोपड़ा 6500 करोड़ रुपए के मालिक है और इन दोनों का कम्बाइन नेटवर्थ 6690 करोड़ रुपीज है। नंबर 1, शाहरुख खान और गौरी खान। जी हाँ दोस्तों, किंग खान के नाम से मशहूर शाहरुख खान बॉलीवुड के सबसे अमीर अभिनेता माने जाते हैं और उनकी नेटवर्थ करीब 5600 करोड़ रुपीज है। दूसरी तरफ उनकी पत्नी गौरी खान भी 1600 करोड़ रुपए की मालकिन है और इस तरह से इस कपल के पास 7200 करोड़ रुपए की संपत्ति मौजूद है। तो दोस्तों आपके इन 10 कपल में से कौन से कपल सबसे ज्यादा पसंद है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और भी इस तरह के रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।